देखिए, हम लोग का हमेशा से प्रिपरेशन को लेकर ही माई क्लासरूम हम लोगों ने स्टार्ट ही किया था कि एक एक्चुअल कोचिंग मिल पाए। हम कोचिंग के नाम पे बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन एक्चुअल कोचिंग नहीं मिल पाती। कोचिंग का मतलब होता है जो भी बच्चों की कमियां हैं पहले उसको पता करना और उसको पता करने के बाद उसको उसके ऊपर काम करना, जो कि आज के डेट में ज़्यादातर कोचिंग में ये मिसिंग है। इसी को दिमाग में रखकर अभी माई क्लासरूम का जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें बच्चों को टेस्ट कराते हैं। टेस्ट कराने के बाद उसमें जो एनालिटिक रिपोर्ट्स है, जो वीक पॉइंट्स निकलते हैं, वीक चैप्टर्स निकलते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। इस तरीके से रेगुलर बेसिस पे इस प्रोसेस के थ्रू बच्चे इम्प्रूव करते हैं और उसमें सिलेक्शन के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं और कम टाइम में वो फोकस होकर पूरी तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्या हम आज कह सकते हैं कि दिवाली सेलिब्रेशन के साथ CUET के जो स्टूडेंट यहाँ क्वालिफाई करे हैं उनकी भी सेलिब्रेशन हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के लिए हो रही है। दीपावली तो एक ये फेस्टिवल है नॉर्मल हम लोग के लिए, एक बहाना भी है जहाँ पे हम बच्चों को हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। और ये तो हम लोग का पहला साल था, CUET का भी पहला साल था और इस बार हम लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं इसमें। इसको लेके अभी से हम लोग जो 12th के स्टूडेंट हैं उनको 12th के साथ साथ उनके बोर्ड प्रिपरेशन के साथ साथ हम लोग CUET का भी प्रिपरेशन करा रहे हैं और आने वाले टाइम में ये हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बता पाएंगे कि आप अपने 12th के साथ साथ आप CUET का प्रिपरेशन भी हमारे यहाँ पे एक ही फीस में कर सकते हैं, जो आप किसी भी कोचिंग में 12th के लिए आप जो पे कर रहे होते हैं उसी फीस में हम आपको CUET का भी प्रिपरेशन कराएंगे।